अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो है वो प्लेन कुर्ता एक बार फिर से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिंक कलर पे बना रही हूँ मैं, और पिक्चर में जो था वो थोड़ा सा ग्रेश कलर था। इसके लिए मैंने लेसेस ली हैं। ये जाली वाली जो है जॉइंट लेस है। सारी जो लेसेस हैं वो मैंने तकरीबन 3.5-3 गज़ ली हैं, ठीक है जी। ये लेडर लेस जो चिकनकारी पे आम सीढ़ी लेस बोलते हैं, और ये मिल्की लेस है। जो पिक्चर में थी वो कुछ डिफरेंट स्टाइल की थी, लेकिन थोड़ी बहुत मैच हो रही है, ठीक है। इसकी रिक्वेस्ट हमें इंस्टाग्राम पे की थी। तो यहाँ मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि बैक साइड का जो पल्ला है ना उसकी कटिंग करूँगी, और फिर उसी के लिहाज से जो है वो हम फ्रंट की कटिंग करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ ली है 40 इंचेस, जो कि मेरा कुर्ता तैयार रह जाएगा 39 इंचेस तकरीबन। और मैंने इसकी जो चौड़ाई ली है 23 इंचेस ली है, जो कि तैयार तकरीबन 22 इंच रह जाएगा। ये मैं एक मीडियम साइज़ कुर्ता बना रही हूँ, और मैंने जो है ना वो सारी जो मेजरमेंट्स हैं वो मीडियम साइज़ की ली हैं। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। तीरा जो है मैंने 7.5 पे लिया है। 1/2 इंच जो है वो शोल्डर का हम ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद हम 7.5 पे निशान लगाएंगे कंधे का, आर्म होल का, और हम इसको इस तरह से बॉक्स बना के और शेप दे देंगे, ठीक है। याद रहे कि ये बैक साइड का पल्ला है, इसकी हमने कंधे की इजाफी कटिंग नहीं करनी, ठीक है। और यहाँ पर जो बस्ट साइज़ है वो मैं तकरीबन 20 या 19 इंचेस दोनों में से एक रख लूँगी। आपका जो भी बस्ट साइज़ है आप उसके अकॉर्डिंग रख लें। मैंने यहाँ पर 9.5 पे निशान लगाया है 19 इंचेस के अकॉर्डिंग। और चूंकि ये कुर्ता है इसलिए मैं इसके जो है ना वो कमर का निशान बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, और मैं इसके जो चौक की ओपनिंग है वो तकरीबन 14.5 इंच पे करूँगी, ठीक है। 1/2 इंच जब कंधा जुड़ेगा तो ये 14 इंच तैयार चौक रह जाएंगे। और हिप साइज़ जो है वो मैं 20 इंचेस रख रही हूँ, तो इसके लिए मैं 4th पार्ट पे निशान लगाऊंगी, यानी 10 इंचेस पे, और इसको हम स्ट्रेट लाइन पे मिला लेंगे, ठीक है। सिंपल सी इसकी कटिंग है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मार्जिन मैंने मामूली सा रखा है, क्योंकि मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया था, 2.5 था बेसिकली मेरे पास, ज़्यादा फैब्रिक नहीं था। लेकिन आप लीजिएगा तो 3 मीटर पूरा लें, अगर गज में ले रही हैं तो 3.5 गज ले लें, ठीक है। अगर आप एक्सल या लार्ज साइज़ बना रही हैं तो फिर आप उसके हिसाब से 4 गज कपड़ा भी ले सकती हैं। अब यहाँ पर जो है ना वो नीचे भी मैं निशान लगा लूँगी 22 इंच पे, यानी 11 पे निशान लगा लूँगी चौड़ाई का दामन की। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो पिक्चर में राउंड दामन था, तो इसलिए मैंने फिर भी निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर जो है ना वो 14 इंच चौड़ाई और 16 इंच लंबाई का मैंने एक फैब्रिक लिया है। इसको तकरीबन 2 इंच तक मैंने जो है ना वो फोल्ड करके क्रीज बनानी है। ये फैब्रिक हमने जो है शोल्डर का जो डिज़ाइन है ना शोल्डर का वो बनाने के लिए लिया है। आप पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको डिज़ाइन समझ में आ जाएगा। ये जो सीढ़ी लेस है ना ये हमने यहाँ पर स्टिच करनी है। तो मैंने क्या किया है कि सीढ़ी लेस के जो एक्स्ट्रा एजेस हैं वो मैंने बहुत थोड़ा सा मार्जिन रख के कट कर दिए हैं, ठीक है। हमने कट करके जो है ना फैब्रिक सीढ़ी लेस नहीं लगानी, हमने फैब्रिक के ऊपर रख के लगानी है। अब एक और क्रीज मैंने लगाई है 1.5 इंच पर। तो जो पहला 2 इंच वाला निशान है वहाँ पर हमारी सीढ़ी लेस लगेगी, और जो 1.5 इंच वाला निशान है ना वहाँ पर 1 बूट के गैप से जो है वो प्लीट्स डल रहे हैं। बहुत ही नफीस और बारीक हमने प्लीट्स यहाँ पर डालने हैं। मैं 1 बूट का जो है वो डाल रही हूँ। अब यहाँ पर जो सीढ़ी लेस है वो हमने ये देखी कुछ इस तरह से रख के लगानी है। फैब्रिक जो है वो थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आपको एक ही बार में इस तरह लगाना मुश्किल लग रहा है तो पहले आप जो है ना वो सीढ़ी लैस के दोनों तरफ रफ सिलाई लगा के फिर कपड़ा फोल्ड करके लगाएंगी। इस तरह 4 सिलाइयों में लगेगी। मैं जिस तरह लगा रही हूँ उस तरह से 2 सिलाइयों में लगेगी सिलाई। और अगर हम कट करके लगाते हैं ना तो एक तो हमारा फैब्रिक ज़ाया हो जाता है, ठीक है, और दूसरा ये कि नीचे से जो है वो रेशे जो धागे हैं ना वो निकलते रहते हैं। तो इसके लिए जब आप ओवरलॉक भी करवाती हैं तो वो फैब्रिक ओवरलॉक में आता ही नहीं है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस हमने रिपीट करना है। एक बार जो है वो उतना ही गैप रखते हुए सीढ़ी लेस लगानी है और फिर 2 प्लीट्स डालने हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस है इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो है वो जितना जितना गैप हम ले रहे हैं ना तकरीबन 2.5 इंच का गैप हम ले रहे हैं, तो वहाँ पर हमने ये जो चौड़े वाली लेस है जॉइंट लेस वो लगानी है। और ये भी मैं फैब्रिक कट करके नहीं लगा रही क्योंकि फिर ये सी थ्रू हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए, जो ऊपर वाली साइड की सिलाई है ना, उसको मैंने कपड़ा टर्न करके जो पहली सिलाई नज़र आ रही है ना, उसी के ऊपर एक और सिलाई लगाऊंगी, तो ये गुम सिलाई में स्टिच हो जाएगा। अब यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन रख के बाकी का कपड़ा एक्स्ट्रा जो है ना वो कट कर देना है, और ऊपर की तरफ से भी तकरीबन पौने इंच का फैब्रिक रखते हुए बाकी मैंने कट कर दिया है। ये टोटल जो पैच तैयार हुआ है ना, इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 7 इंचेस आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ख्याल रहे कि मैंने 16 इंच चौड़ाई ली थी, आप 18 इंच लीजिएगा ताकि ईजीली आपसे मैनेज हो जाए, ठीक है। जब मैंने कंधा कट किया ना तो बहुत ही मामूली सा फैब्रिक बच गया था। अब यहाँ पर नीचे फ्रंट का जो नीचे वाला पार्ट है, उसके लिए मैंने तकरीबन यहाँ पर 36 इंच लंबाई का फैब्रिक लिया है, कमी बेशी जो भी होगी वो इसी के अंदर आ जाएगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो 28 इंच है, डबल करेंगे तो 14 इंच, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन बंद वाली साइड से जो है ना वो 3 इंचेस पर मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ पर हम लंबाई के रुख 3-3 प्लीट जो है वो डालेंगे, जैसा कि डिज़ाइन में हमें उन्होंने बताया था, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने एक बहुत ही मशहूर ब्रांड जीन का कुर्ता मेरे साथ जो है शेयर किया था कि इस तरह का पॉकेट वाला कुर्ता बनाना सिखाएं, जिसकी प्राइस तकरीबन 3200 रुपये थी और आफ्टर डिस्काउंट उसकी प्राइस थी 2000 रुपये। तो ये वाला जो कुर्ता है ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ 900 में जो है वो आ जाएगा। 300 की लेसेस आ गई और 600 का हमारा फैब्रिक हो गया, अगर आप खुद सिलाई कर रही हैं तो। अगर मैंने टेलर से भी इसकी सिलाई का पूछा था, उसने 1200 सिर्फ इस कुर्ते की सिलाई मुझसे शेयर की थी कि 1200 में ये कुर्ता तैयार करके दूंगा। तो घर पे आप अगर खुद स्टिच करेंगे तो सिर्फ आपका 900 लगेगा, सही हो गया। अब यहाँ कलर मैंने जिंक लिया है, लेकिन जो पिक्चर थी उसमें थोड़ा सा ना एक्वा कलर था, ब्लूइश और ग्रेश के दरमियान थी शेड्स। अच्छा जी, अब यहाँ पर सेंटर क्रीज हमें नज़र आ रही है, उसके लेफ्ट और राइट 3-3 इंच का फैब्रिक छोड़ के हमने 3-3 प्लीट्स डालनी हैं। प्लीट्स आप 4-5 जितनी आपका दिल करे आप डाल सकती हैं, मैंने 3-3 ही डाली हैं। और इन प्लीट्स के दरमियान का गैप 1 इंच का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली मैंने वाटर स्प्रे किया है और आपके सामने मैं प्रेस कर रही हूँ, और ये बिल्कुल नीट तरीके से जो है ना वो प्रेस हो जाएंगी। कपड़ा यूं थोड़ा थोड़ा खींचते जाएं और इसको आयरन कर लें, ठीक है जी। अब यहाँ पर इनका सेंटर और जो पैच हमने ऊपर वाला रेडी किया है शोल्डर वाला, उसका सेंटर करके हमने सिलाई लगा देनी है। जो कपड़ा बढ़ता हुआ होगा उसको बढ़ने देना है, और यहाँ पर जो है ना वो हमने बैक साइड जो सबसे शुरू में कट की थी उसको इसके ऊपर सेट करना है अच्छे से। आप देख सकते हैं कि कंधा बा मुश्किल इसमें पूरा आया था, तो आप जो है ना 16 इंच चौड़ाई की बजाय 18 ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो है ना बैक साइड को फॉलो करना है और इसकी जो है ना हमने कटिंग करनी है। तो अब चूंकि पिक्चर में जो है वो घेरा गोल था, तो मैं यहाँ पर राउंड ड्रॉ कर रही हूँ शेप। 3 इंच तकरीबन इसकी तिरछान है। अगर आपने गोल नहीं करना ना तो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर हम लगाने लगे हैं पॉकेट का निशान, तो मैं यहाँ पर 7 इंचेस यानी जो वेस्ट का है ना निशान, उस पर निशान लगाऊंगी, और उसके बाद एक निशान मैं 6 इंच पे लगाऊंगी। तो ये हिप साइज से थोड़ा सा ही ऊपर आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट निशान हमने 7 इंचेस पे, और उसके बाद जो पॉकेट की ओपनिंग है वो 6 इंच की रखनी है, ठीक है। ये निशान आप फ्रंट बैक पे जो है ना वो ड्रॉ कर लीजिएगा, आसानी रहेगी। तो ये देखें, बहुत मुश्किल जो है ना वो मैंने कटिंग की थी, तो मुझे यही डर था कि पता नहीं छोटा ना हो जाए यहाँ से कंधा। आई डोंट नो मुझे आइडिया क्यों नहीं रहा इसका। खैर, यहाँ पर मैंने कटिंग जो है वो कर ली है राउंड में, और हर निशान पे मैं नॉचेस लगाऊंगी ताकि सिलाई करते हुए मुझे बहुत आसानी रहे, ठीक हो गया। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो वीडियो को लाइक करके कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने भी कुछ सीखना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फ्रीली मैसेज कर सकते हैं आप। अच्छा जी, यहाँ पर अब फ्रंट के कंधे की भी इजाफी कटिंग हमने करनी है, ठीक हो गया। फ्रंट बैक की कटिंग हो गई और सारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम नेक लाइन की तैयारी करते हैं। तो नेक यहाँ पर मैं 4 इंचेस पे निशान लगा रही हूँ इसकी चौड़ाई का, गहराई का भी इतने पे ही मैं निशान लगाऊंगी, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा गहरी नेक कटिंग कर दी तो मेरा सारा डिज़ाइन जो है ना वो इसमें कट जाता। तो अब यहाँ पर जो है ना वो हम वी स्लिट को कटिंग करेंगे। तो वी स्लिट की जो चौड़ाई मैंने ली है वो 1 इंच है, खुल के ये 2 इंच की चौड़ाई हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर
हमने बटन पट्टी जब बनानी है ना, तो ये बिल्कुल आम नॉर्मल नेक की तरह आ जाएगा। और ये वी स्लिट जो है 3 इंच गहरा होगा। और सेंटर से अब मैंने इसको जो है वो कटिंग करके अलहदा किया है, क्योंकि ये ओपन शर्ट है, पॉकेट्स के साथ राउंड इसका बॉटम है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें हमने कितनी मेहनत की है। अब यहाँ पर एक लंबी सी पट्टी तकरीबन 38 इंचेस की ली है, उस पर हमने लेस लगा के बटन पट्टी तैयार करनी है। और एक बटन पट्टी पे मैंने बुकरम अटैच किया है 1 इंच चौड़ा, इसमें ये लेस लगा के हमने जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे ये बुकरम वाली पट्टी लगेगी, और जो लेस के साथ हम तैयार करेंगे वो राइट साइड पे लगेगी, ठीक है। बाद में इसको ओवरलैप करना है। तो सिंपली क्या है कि सीधी शर्ट है और उसके नीचे जो है ना वो बुकरम वाली पट्टी है, उसको हमने सिलाई करना है। और ये सीधी पट्टी ही वी में जो है ना इजीली घूम जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। टर्न करेंगे तो उसमें साथ साथ लेस लगाकर एक ही सिलाई में जो है ना ये पट्टी हमने स्टिच कर देनी है। वैसे मुझे ये लेसेस कलर के ऊपर ना, जिंक कलर के ऊपर बहुत ही प्यारी लगी थी। ठीक हो गया, इजीली जो वी में ये लेस लग जाएगी। अब यहाँ पर करना हमने क्या है कि जो दूसरी हमने 3 इंच चौड़ी और 38 इंचेस लंबी पट्टी ली है, उसके ऊपर हमने अपनी जाली वाली जो जॉइंट लेस है उसको रख के किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। और फिर इसको फोल्ड जब हम करेंगे ना, तो वो किनारे किनारे की जो सिलाई है ना वो पाइपिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, ये देखिए इस तरह से। और ये जो लेडर वाली लेस है, और ये जो इसकी तो जो है ना वो फ्रंट और बैक होता है, लेकिन ये जो हमने जाली वाली लेस ली है ना, इसका फ्रंट बैक नहीं है, ये आप दोनों साइड्स एक जैसी ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना वो रफ सिलाई हम लगाएंगे, और साथ में जो थोड़ा थोड़ा कपड़ा रख के बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा काट के पट्टी तैयार हो गई है। और इसको हमने जो है ना ऐसे ही जोड़ की तरह ही लगाना है, और वी में भी ऐसे ही घूम जाएगी, कोई मसला नहीं करेगी, क्योंकि वी इतना तिरछा नहीं है। बाद में मैंने कुर्ते को ओवरलॉक करवाया है, तो इसलिए मैंने इसको गुम सिलाई में या पलटे के साथ नहीं लगाया। अब यहाँ पर इजीली ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप की थी, तो जो है ना यहाँ पर वी स्लिट खुद ब खुद बन जाएगा, सही हो गया। और इसको सिलाई के साथ बंद करते जाना है। और मैंने तकरीबन 11 इंचेस का कट जो है वो ओपन में छोड़ा है, ज़्यादा बड़ा कट जो है मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने 11 इंचेस छोड़ा है। ईज़िली ये जो है ना वो कैरी हो जाता है, इसलिए मुझे पसंद है 11 इंचेस या 12, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर सिंपली स्लीव्स की कटिंग मैंने कर ली थी, जोड़ वाले स्लीव बने हैं, जो वन जोड़ वाला स्लीव होता है ना साइड में आता है वो, तो मैंने क्या किया था कि इसी जोड़ को मैंने सोचा था कि इसी पे पिनटेक्स डालूंगी ना, तो ये जोड़ भी नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो है ना वो सेंटर में ये जो सीढ़ी लेस है या जॉइंट लेस है, ये हमने लगानी है। तरीका वही है जो पहले भी हमने इस्तेमाल किया है, कि पहले रफ़ सिलाइयाँ लगाएंगे, फिर जो है ना वो बैक साइड की सिलाइयों को फॉलो करेंगे, तो वो गुम सिलाई में लग जाएगी। इससे हमें फैब्रिक कट करना नहीं पड़ेगा, और ना ही हमारी बाजू सी थ्रू होगी, ठीक है। सही है जी, बामुश्किल मेरा फैब्रिक जो है ना वो पूरा आया था। तो पॉकेट्स मैंने फिर किसी और कलर की लगाई हैं। आप अगर ले रही हैं ना कपड़ा, तो 4 गज़ ले लें तो बेहतर होगा। अब यहाँ पर इस लेस के फ्रंट जो सॉरी लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ दो दो पिनटेक्स मैंने डाले हैं, आप चाहें तो चार चार भी डाल सकती हैं, या तीन तीन, ये आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर एक 4 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ली थी, क्योंकि स्लीव्स की लेंथ भी कम थी और डिज़ाइन भी ये ही था, तो उसके जो है ना वो दोनों तरफ जो है ना वो सेम फेस करते हुए हमने लेस लगाई है। रॉन्ग साइड लगाई है तो ये पलट के राइट साइड हो जाएगी। यहाँ पर भी सेंटर में जो है वो हमने सीढ़ी लेस वैसे ही लगानी है जैसे हम पिछले मेथड्स में लगाते आए हैं। रफ सिलाइयाँ पहले लगाई हैं, फिर जो है ना कपड़ा उसके ऊपर इस तरह से टर्न करते हुए सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो ये बॉर्डर तकरीबन 2.5 से 3 इंच जो है वो चौड़ा तैयार हो गया था, सही है। और यहाँ पर मैंने जो है ना वो इस पैच को गुम सिलाई से तो लगाया ही था, मैंने बैक साइड भी इसकी सारी की सारी सिक्योर की थी।
अब यहाँ पर मैं जो इसको इजीली इसके साथ स्लीव के फ्रंट पे जोड़ रही हूँ, और यहाँ पर मैंने एक पलटा वाइट कलर का ही लिया है, जितनी पट्टी चौड़ी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा लिया है। और इसको ये देखें, हमने वाटर स्प्रे करके अच्छे से प्रेस किया है ताकि इसमें नीटनेस आए। इसको पलट देंगे और पलट के हमने इसको तुरपाई करनी है। अब ये देखें, वाटर स्प्रे करके ही मैं आपके सामने आयरन कर रही हूँ। बहुत कमेंट आते हैं कि आपकी पिनटेक्स और आपकी प्लीट्स इतनी नीट कैसे होती हैं, तो यही मेथड है, सही है। और यहाँ पर ये पलटा जो है वो मैंने फोल्ड कर देना है, और पीछे मैंने हैंड स्टिच किया था यानी तुरपाई की थी ताकि ये जो पूरा पैच है वो गुम स्टिच हो जाए। अब आता है यहाँ इम्पॉर्टेंट तरीन पार्ट इस कुर्ते का, पॉकेट कैसे स्टिच करना है। अब यहाँ पर जो है मैंने पॉकेट के लिए कपड़ा लिया है तकरीबन 18 इंच चौड़ाई का, और इसकी लंबाई जो है ना वो तकरीबन 12 इंच है, तो मुझे पॉकेट ज़रा ज़्यादा लंबा लग रहा था तो मैंने सोचा कि इसको 10 इंचेस कर देते हैं, ठीक है। तो 10.5 पे मैंने निशान लगाया, 1/2 इंच मैंने सिलाई का छोड़ दिया, और इस तरह से मैंने जो है ना वो तकरीबन 6.5 पर निशान लगाया है, क्योंकि 6 इंच की हमारी ओपनिंग है और 1/2 1/2 इंच जो है ना वो हमारा मार्जिन में चला जाएगा सिलाई के, ठीक है। और यहाँ पर मैंने राउंड इसलिए किया है कि पॉकेट्स जो है ना वो अगर ऐसे ही रेक्टेंगुलर लगा देना तो वो लटक जाती हैं। अब यहाँ पर सिंपली करना क्या है कि राइट साइड पे जो है वो कपड़ा रखना है और रॉन्ग साइड से हमने जो है इस तरह से सिलाई लगानी है, जैसे आम हम जोड़ लगाते हैं किसी चीज़ का। और जो निशान हमने लगाया था पॉकेट के लिए कटिंग करते हुए, उस पर मैंने सिलाई लगा ली है, डिब्बा सा एक बना लिया है सिलाई का, और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे और बाकी में हम जो है वो कट लगा लेंगे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। गुम पॉकेट है ये बिल्कुल। और अब ये देखें, इस तरह से ये कपड़ा कुछ पलट के नज़र आएगा, आपने ऐसे ही इसको पलट के अच्छे से आयरन कर लेना है, ठीक हो गया। अच्छे से आयरन करने के बाद जैसे पॉकेट था ना डबल में, वैसे ही इसको सेट करना है, और जो थोड़ा थोड़ा मार्जिन का फैब्रिक है ना वहाँ से सिलाई लगाना शुरू करनी है। अब चूंकि मैंने इसको ओवरलॉक करवाया था तो इसलिए मैं इस जो है ना वो पॉकेट को ऐसे ही स्टिच कर रही हूँ, ठीक है, वरना मैंने पॉकेट को गुम स्टिच करना था, तो मैंने सोचा आपके लिए भी आसान होगा और वैसे भी मैंने इसको ओवरलॉक करवाना ही है। अब यहाँ पर मैं जो है ना वो फैब्रिक सीधा करके यहाँ पर रफ स्टिच लगा दूंगी ताकि पॉकेट हमें मसला ना करे। अब डिज़ाइन में पॉकेट के ऊपर भी जो है ना वो लेस लगी हुई थी, तो फिर हमने क्या किया है कि इस तरह से फैब्रिक को पकड़ा है और लेस जो है वो लगाना शुरू की है। इजीली लग जाएगी, पॉकेट के ऊपर सिलाई नहीं आएगी, पॉकेट आप थोड़ा सा नीचे से परे कर लेंगी ना तो लेस इजीली लग जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। या ये लेस आप तब भी लगा सकती हैं जब हमने पॉकेट को आयरन किया था, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं लंबाई में ही इस तरह लगा रही हूँ, मैंने डिब्बे को फॉलो नहीं किया क्योंकि डिब्बे के वो दोनों किनारे हमारे सिलाई फिटिंग की सिलाई में आ जाने हैं, ठीक है। ये देखिए पॉकेट तैयार है बिल्कुल, और यहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई लग जाएगी। ये देखें सिलाई भी मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ, जैसे नॉर्मल फिटिंग की सिलाई लगाते हैं वैसे ही हमने आते जाना है, और यहाँ से हमने लेस जो है ना वो पीछे की तरफ करते जाना है, अंदर की तरफ सरका देनी है और अपनी स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है। इस तरह जो है लेस सिलाई के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी, कोई मसला नहीं होगा। जब आप ये खुद ट्राई करेंगी ना तो ईजीली आपका पॉकेट लग जाएगा। अगर आप पॉकेट जो है ना वो लेस के साथ लगाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप सिंपल पॉकेट भी रहने दे सकती हैं, लेस स्किप कर दीजिए, लेकिन ऐसे लगाएंगी ना तो ये देखें बिल्कुल इजीली लग गई है, ना सिलाई ने कोई डिस्टर्बेंस की है ना लेस ने। तो बाकी का कुर्ता बिल्कुल सिंपल स्टिचिंग का था, कोई इसमें ज़्यादा मसला नहीं था। पॉकेट मैंने सेम एज इट इज़ दूसरी तरफ भी लगा लिया था तो मुझे बहुत ही अच्छा क्यूट लग रहा था पॉकेट। तो ये है इस कुर्ते की फाइनल लुक, और ये देखें कपड़ा कितना डार्क कलर का है लेकिन फिर भी लाइट था कपड़ा, तो उसके अंदर से पॉकेट नज़र आ रहे हैं ना। अच्छा जी, यहाँ पर ये कुर्ते की फाइनल लुक है। मैंने जो है ना क्या किया है कि ये जो राउंड में वाइट कलर ऑफ वाइट कलर की ही पलटा लगा लिया है, ये वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये आप दो मेथड से जो है ना वो गुलाई में कैसे हमने पलटा लगाना है वो सीख सकते हैं, पिन कमेंट में मैं इसका लिंक डाल दूंगी। यहाँ पर ये देखिए हमारे पॉकेट्स भी नज़र आ रहे हैं, हमारी पिन प्लीट्स भी हैं और बटन पट्टी है, और सबसे क्यूट पार्ट जो है वो ये पॉकेट्स का है, ठीक है। और ये देखें पॉकेट के अंदर अगर झांकेंगी तो वाइट कपड़ा नज़र आएगा, बाहर बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि वाइट कपड़ा हमने नीचे लगाया हुआ है।
और गले में सिंपल मैंने जो है ना वो उरे पट्टी घुमा ली थी, और बैग का गला जो है वो मैं हमेशा बुकरम से बनाती हूँ। अगर आपको नहीं बनाना आता तो मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। ये है जी हमारे स्लीव्स, और इसके स्लीव में फुल मैंने जो है ना सिक्योर किया है इसको पलटा लगा के, ठीक है। ये देखें, जब आपने पहना होगा ना तो ये बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर लगेगा। और ये हैं जी पिनटेक्स दो दो स्लीव्स पे, और लेस हमारी आ रही है, और बैक का गला हमने जेपी से बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप भी ये कुर्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।